और दोस्तों मैं अब ट्यूबवेल से पीछे से यहाँ आ गया हूँ और अंकित भाई अपनी ट्रोली भर बुग्गी भर रहे हैं अपने राजस्थान लवारे पे। चलते हैं उनके पास में। दोस्तों बुग्गी भर दी है, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते, जीते रहो। और दोस्तों देखो कितना सोना लग रहा है अंकित भाई का राजस्थानी। और देखो धीरे धीरे समझदारी ऐसी पशु में आ जाती है कि आराम से खड़ा है, बहुत ही बढ़िया। यो लोक सा कैसा लगाया ऊपर? अच्छा हाँ हाँ सही सही भाई, ये भैया तजर्बे की बात है, कोई बात है, कोई बात नहीं। ये दरअसल प्लास्टिक वाली रपटे हैं अंकित, लकड़ी की कली जो है लकड़ी की होनी चाहिए। ये ऊपर से सरिया घुमाना पड़ेगा तुम्हें, सरिया सरिया सरिया, हाँ 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 सरिया घुमाओ। खड़ेर दूसरी माई ले ले, हाँ हाँ सही सही, अब कहीं घूमने की, बिल्कुल सही करा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों कचड़ा रखने को तो दुनिया रख लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी फिरक में जोड़े भगे फिर जाओ, लेकिन असली जो परीक्षा है जोटे की या कचड़े की वो गन्ने की बुग्गी की है कि आराम से खड़ा होकर बुग्गी भरवा ले, कढ़ेर खिंचवा ले, पेटी खिंचवा ले, जो अपना जो भी कट्टा वट्टा सांटा रखना है वो रख ले, ट्रैफिक आ रहा जा रहा है रास्ते में से उसी हिसाब से जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कटड़ा आराम से बात को समझे। ये तो मुझे लगा कि तो आज नुहाया भी दिखे है, हाँ बस यू है नुहा का पूछ देख रो कपड़े से, कपड़े तो पूछना कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि जो है चलेगा। हाँ भैया मैं बता तो रहा, डंगर बेकार हो लिया, सीट चढ़ रहे डंगरों को, बैठो बैठो को भी नहाना नहाना जरूरी है, अब तो खैर दिन गर्म होने लगेगा ऑटोमेटिक ढाल ढाल यो है। हाँ हाँ इंगे मार दो उनके तो चाचा ने बढ़िया कर दी, बहुत बढ़िया। और दोस्तों अट्ठो खुरियों का बहुत बढ़िया है, अभी तो वैसे इन्होंने इसके ज़्यादा खुर छटवाए भी नहीं है। अंकित खुर छटेंगे भाई जरा जरा से बढ़ रहे, क्योंकि दोस्तों सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा खुर कटवाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पैर में लंग बन जाता है, कई बार हल्का फुल्का कच्चा कट जाता है, जैसे हमारे उंगलियों के नखून कच्चे कट जाते हैं, फिर कई दिन तक हमारे हाथ ही उंगली दुखती है यहाँ से, इसलिए बहुत ज़्यादा खुर कटवाना नहीं चाहिए। बस चलने से पता चल जाता है, वो निशान आ जाता है कि यहाँ से बढ़ रहा है, तो वो उसी को कटवाओ हल्का सा, और फिर तुरंत ही जो है डीजल सरसों का तेल या मिट्टी का तेल सरसों का तेल गुनगुना करके उसमें फोई लगा दो पूरी खुरियों पर, बिजन खुरी पर, तो उससे जो है सेक मिलती है, सिंगों पर भी लगाओ नीचे भी, और भी कुछ नहीं है तो गुनगुना सा घी लगा दो, देसी घी डालडा, वो सबसे बढ़िया रहता है, वो सेक लगाता है बहुत बढ़िया। तो दोस्तों पेटी खिचड़ी बहुत ही बढ़िया, ना 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 नूनी नूनी नूनी, वैसे प्यार से हल्का सा जरा सा सिर पर हाथ रख के, वैसे पर बात तो यो है बाबूजी का तो ये पाड़ा हुआ ही है, उसकी तो सारी बात समझता होगा। अच्छा यो आदत गिर रखी इसे थप्पड़ वाली, अच्छा फिर भी एक काम करिए, थोड़ा सा चलाने के बाद पेटी चेक करिए, अगर दोबारा ढीली लगेगी तो दोबारा टाइट करिए। हाँ बहुत ही बढ़िया है ना, वैसे तो मैंने देखा चलता हुआ अड़के जोर लगा हुआ ऐसे, वैसे नहीं हट रही हट रही, हाँ नाली में टेक दिया बेटे ने ठाके साइड में, बहुत ही बढ़िया आज शानदार। ना ना एकदम ज्यादा ना दबाव है, चल चल चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे, हाँ भाई यही चढ़ाई भाई घनी बन रही हो एकदम से, बढ़िया जी बढ़िया भैया बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों देखो घर का पाला हुआ राजस्थानी कटड़ा है इनका, हो बस ये है थोड़ा सा मरोड़ करता है ये,
अभी तो वैसे लाड्डो में ही करता है, चोट बहुत बढ़िया मानता है। देखो हल्की जब फटक लगाई तो एकदम उभर के गया। तो इसी तरह दोस्तों किसान भाइयों का काम चलता रहता है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।